नमस्कार, मैं प्रिया, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने रोड सेक्टर को मजबूत करने की शुरू की पहल। बिहार में कोरोना के मिले 100 से कम मामले। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की आंसर की जल्द होगी जारी। शराब कारोबारियों पर अब रखी जाएगी हाईटेक नजर। तेजस्वी यादव समेत युवा राजद कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। बिहार में एनएच की हालत पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। बिहार के सभी एनएच के निर्माण और मरम्मति के काम की निगरानी के लिए अब पटना हाईकोर्ट आ गया है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम और नंबर से अलग अलग केस दर्ज करें। इस तरह से 40 अलग अलग याचिका दायर कर मामला दर्ज किया जाएगा। लगभग 4 राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर हाईकोर्ट पहले से ही नजर बनाए हुए हैं। इस बाबत हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग का रोडमैप भी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत ही मुख्य न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निकाली रिक्तियां। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जर्नलिस्ट ऑफिसर MMGS स्केल 2 के लिए कुल मिलाकर 150 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर के अच्छे ज्ञान और संबंधित कार्य अनुभव के साथ किसी भी विषय में स्नातक डिग्री का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख और आवेदन शुल्क भुगतान 6 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर जाकर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। बिहार की तस्वीर बदलने की शुरू हुई तैयारी। बिहार सरकार ने सत्ता संभालते ही अपना सारा ध्यान रोड सेक्टर पर केंद्रित कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाबत पहले 6 घंटे का लक्ष्य सुदूर इलाकों से राजधानी पहुंचने का रखा था, लेकिन अब इसे 5 घंटे कर दिया गया है। इसके साथ ही इस पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी और खास बात यह है कि बिहार सरकार के इस पहल में केंद्र सरकार की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। इतना ही नहीं, NHAI बिहार के कई बड़े प्रोजेक्ट को लेकर काम भी कर रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 विधानसभा चुनाव में 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। उसमें से 54,000 करोड़ से ज्यादा की राशि सिर्फ पथ निर्माण में खर्च की गई है। इतना ही नहीं, उसमें से कई का काम पूरा भी हो गया है और कई प्रोजेक्ट पर फिलहाल काम चल रहा है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे दिनेश्वर शर्मा की। बिहार को प्रतिभाओं का धनी राज्य कहा जाता है। आज इसी कड़ी में हम आपसे बात करेंगे दिनेश्वर शर्मा की। दिनेश्वर शर्मा का जन्म आज ही के दिन साल 1952 में बिहार में हुआ था। दिनेश्वर शर्मा 1976 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS अधिकारी है। वो भारतीय खुफिया ब्यूरो राजीव जैन द्वारा सफल के प्रमुख भी थे, जो खुफिया ब्यूरो के निदेशक है, जो कि भारतीय पुलिस सेवा IPS में सर्वोच्च रैंक वाला पद है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए भारत सरकार के एक वार्ताकार के रूप में भी काम किया है। वर्तमान में वो लक्षद्वीप में 34वें प्रशासक के रूप में सेवारत है। बिहार में कोरोना के मिले 100 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 90 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 50 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 43 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भागलपुर में 8 और भोजपुर में 4 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर हम बिहार में रिकवरी दर की बात करें तो यह 99.20% दर्ज की गई है। वहीं बिहार में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो यह 2,61,537 रही। इसके बाद अब बिहार में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 560 है। DM ने सभी दुकानों में मास्क जांच करने को लेकर जारी किया आदेश। कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए बिहार सरकार पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम कर रही है, जिसके तहत बिहार सरकार ने सभी आम नागरिकों से एहतियाती कदम उठाए जाने की बात कही है। वहीं राजधानी पटना में मामलों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर ही जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम और बचाव को लेकर बैठक का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने 9 कोषांग का पुनर्गठन कर अधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित जिम्मेदारी का जवाबदेही से ससमय निष्पादन का निर्देश भी दिया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मास्क पहनना अनिवार्य करते हुए आज से दुकानों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस बाबत उन्होंने साफ कहा है कि जिन दुकानों में दुकानदार या उपभोक्ता बिना मास्क के पाए जाएंगे, उन्हें सील कर दिया जाएगा। बिहार में मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में पिछले 2 दिनों में मौसम में हल्का परिवर्तन देखा गया है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम शुष्क रहने वाला है। वहीं मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र भारती की माने तो पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस भागलपुर में दर्ज किया गया। बिहार में आज मौसम में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला, हालांकि न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि देखने को जरूर मिली। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में शुष्क हवा का प्रभाव बना हुआ है। समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर दक्षिणी पूर्व मध्य और उसके आसपास एक चक्रवाती परिसंरचना भी बना हुआ है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की आंसर की जल्द होगी जारी। बिहार पुलिस सिपाही के 8,415 पदों के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा की आंसर की जल्द ही जारी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 14 मार्च और 21 मार्च को लिखित परीक्षा का आयोजन
आयोजन किया गया था, जिसके बाद आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का मौका भी मिलेगा। उम्मीदवारों के आपत्ति दर्ज करने के बाद फाइनल आंसर की को जारी किया जाएगा। इस भर्ती को लेकर कुल 11 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को किया गया रद्द। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को अवैध करार कर दिया है। जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने रवि कुमार और अन्य की तरफ से दायर की गई रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान दी है। 18 रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि यह नियुक्ति बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन के शर्तों के खिलाफ जाकर बीएड कॉलेज में की गई है। विज्ञापन 478 रिक्त पदों के लिए प्रकाशित किया गया था, जबकि नियुक्तियां 451 पदों पर की गई है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष के मानसिक संतुलन के बिगड़ने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ी बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और शराबबंदी समेत तमाम मुद्दों को लेकर आज राजद कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ विधानसभा का घेराव किया था। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर और विपक्ष के रवैये को लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने निशाना साधा है। कुशवाहा ने कहा है कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं, कानून का राज स्थापित है, वहीं विपक्ष जिस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ही लेकर आया है। शराब कारोबारियों पर अब रखी जाएगी हाईटेक नजर। बिहार में शराब विक्रेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई को शराब के धंधे पर नजर रखने के लिए कैमरे वाले ड्रोन से लैस किया जाएगा, जिससे कि अब दूर दराज वाले इलाकों में इसकी मदद से शराब के निर्माण और बिक्री पर नजर रखी जा सकेगी। पुलिस मुख्यालय की समिति ने ड्रोन की खरीद को मंजूरी दे दी है। जल्द ही खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके परिणाम स्वरूप मध्य निषेध के साथ जिला पुलिस को भी ड्रोन मुहैया करवाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में अप्रैल 2016 में ही पूर्ण शराबबंदी का माहौल है। शराबबंदी के बावजूद चोरी छुपे ही इसका काम भी किया जा रहा है। बिहार पुलिस जो ड्रोन खरीदने जा रही है उसके लिए कुछ मानक भी तय किए गए हैं। इसके तहत ड्रोन की उड़ान क्षमता कम से कम 45 मिनट की होनी चाहिए। तेजस्वी यादव समेत युवा राजद कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर राजद विधानसभा का घेराव आज करती देखी गई। हालांकि इस घेराव का ऐलान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही कर दिया था, जिसके कारण ही सुबह से ही युवा राजद कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला। हालांकि युवा राजद के द्वारा विधानसभा घेराव को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन युवा कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि सरकार हमें परमिशन दे या ना दे, हम विधानसभा का घेराव जरूर करेंगे। युवा राजद कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, यदि रोजगार मांगने पर सरकार अगर गोली भी चलाती है तो हम गोली भी खाने को तैयार है। अपनी आवाज विधानसभा के अंदर पहुंचाने के लिए विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए आज करेंगे नामांकन। बिहार विधानसभा के 17वें उपाध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री और जदयू के विधायक महेश्वर हजारी आज नामांकन करने वाले हैं। महेश्वर हजारी को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, ऐसे में उन्हें उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद देने की तैयारी हो रही है। खबरों की माने तो आज नामांकन हो जाने के बाद 24 मार्च को महेश्वर हजारी का निर्वाचन भी हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भाजपा कोटे से हैं, तो उपाध्यक्ष का पद जदयू के पास चला गया है। बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए 24 मार्च को औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। महेश्वर हजारी ने समस्तीपुर के कल्याणपुर सुरक्षित सीट से विधानसभा चुनाव इस बार भी जीता है। भारत के पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा कुलदीप यादव की लगातार हो रही अनदेखी को लेकर नाराज दिखे हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अगर आप उनको क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में मौका नहीं दे रहे हैं तो कुलदीप को टीम में रखने का क्या मतलब है। इंग्लैंड के खिलाफ 23 मार्च से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए कुलदीप यादव को भारतीय टीम में जगह दी गई है। एक समय टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा रहने वाले कुलदीप पिछले काफी समय से टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि आप तेज गेंदबाजी में प्रयोग कर सकते हैं जो भी आप चाहें, लेकिन स्पिन विभाग में आप प्लीज कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को ही खिलाएं, क्योंकि अगर आप इनको यहां पर नहीं खिलाते हैं तो कुलदीप क्या करेंगे। रानी चटर्जी का बोल्ड अवतार आया सामने। भोजपुरी इंडस्ट्री की हाई पेड एक्ट्रेस के रूप में जाने जाने वाली रानी चटर्जी ने अपने सोशल अकाउंट पर अपनी एक बेहद ही हॉट फोटो शेयर की है। इस फोटो में रानी एक सिल्क चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। रानी चटर्जी ने इस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि इंटेंस लव स्टोरी वो पहला प्यार जल्द ही आ रहा है। इस फोटो को रानी ने बिग बॉस फेम हितेन तेजवानी को भी टैग किया है। फोटो में रानी टॉपलेस दिख रही है। बेड पर बैठी हुई रानी ने खुद को एक व्हाइट चादर से ढक रखा है। फोटो में वो बेहद हॉट लग रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार शराब माफियाओं पर नकेल कसने में ड्रोन कारगर साबित होगा या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।